तो वहीं बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की जा रही है रायपुर से, जहां पर एक युवती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। जॉब के सिलसिले में वो रायपुर आई थी, युवती का मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां रहस्यमय तरीके से एक युवती गायब हो गई है। युवती का नाम स्नेहा प्रभाकर बताया जा रहा है, उसका मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है। जॉब के सिलसिले में वो रायपुर आई थी। तो रायपुर में रहस्यमय तरीके से एक युवती गायब हुई है, जो जॉब के सिलसिले में रायपुर आई थी, उसका मोबाइल नंबर भी बंद बताया जा रहा है। युवती का नाम स्नेहा प्रभाकर बताया जा रहा है। जॉब के सिलसिले में रायपुर आई एक युवती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है, उसका मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है। युवती का नाम स्नेहा प्रभाकर बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर जॉब के सिलसिले में रायपुर आई एक युवती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है, उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। युवती का नाम स्नेहा प्रभाकर बताया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश यादव फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से युवती के गायब होने की खबर सामने आई है, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस पर? हाँ, मैं बता दें कि युवती दो दिन पहले अपने माँ के साथ यहाँ आई थी किसी जॉब के सिलसिले में, लेकिन अचानक उसको ना फोन नंबर बंद होना, जाने के बाद बोली थी अपने माँ को कि स्नेहा प्रभाकर नाम की युवती, उसने बोली थी कि मम्मी मैं शाम को पूरा डिटेल बता दूंगा रूम के सबकी व्यवस्था देख के। फिर अचानक उसका शाम को मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद उसके परिजनों ने आस पास अपने रिश्तेदार से पता किया, वहां भी पहुंचनी थी युवती। तो आज अभी जो उसकी बहन है नेहा शर्मा, उसने देवेंद्र नगर थाने में जाके FIR दर्ज करा रही है। जी भाई, पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी FIR दर्ज करने के बाद पूरा खोजबीन शुरू करने की बात कर रही है। अभी फिलहाल FIR दर्ज नहीं हुआ है, अभी थाने में युवती की बहन और उसकी मम्मी बैठी हुई है। जी, तो जिस तरह से हम बता दें आपको कि लगातार महिलाओं और युवतियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जिस तरह से हैदराबाद में भी घटना सामने आई थी और अब इस तरह से ये युवती गायब हुई है, तो अब किस तरह की कार्रवाई की मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है इस पूरे मामले पर? मैं बता दें कि जैसे लगातार घटना घटी हैदराबाद के बाद, यहाँ पर अंबिकापुर में एक घटना घटी थी जहाँ एक महिला को जला दिए थे, साथ ही साथ पेंड्रा में भी ऐसी घटना घटी थी। उसके बाद कल अचानक नक्की क्षेत्र में जिसको पुष्टि भी हो चुकी है महिला और बच्चे को जला दे, इसलिए अभी दहेज दरे शहर में है युवती के पूरे परिजन और यहाँ बोल रहे हैं कि जल्द से जल्दी कोई पता कीजिए, ये सब चीज मांग कर रहे हैं और घबराए हुए परिजन इससे। जी, जिस तरह से अभी मोबाइल फोन युवती का बंद बताया जा रहा है, तो क्या पुलिस अभी उसकी मोबाइल फोन जब चालू था उसकी लास्ट लोकेशन के हिसाब से तलाश में जुटी हुई है? अभी FIR दर्ज होने का पुलिस इस मामले पे साइबर क्राइम से पूरे मोबाइल का लोकेशन लेंगे कहाँ से युवती की, और साथ ही साथ युवती के जो परिजन है उसने ये बोला है कि इसके ना किसी युवक के साथ परिचय था कुछ ना, तो ये युवती की बहन बोल रही है, लेकिन अब मामले पुलिस में चला गया तो इसे पूरा छानबीन पुलिस अपने तरीके से करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रायपुर में जॉब के सिलसिले में आई एक युवती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। युवती का नाम स्नेहा प्रभाकर बताया जा रहा है और उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है।